कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। और आज जो है साइंस को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। साइंस जटिल विषय वस्तु है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान नजर रखा जाए, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ। और इसका दो तीन सेट होगा और दो तीन सेट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो क्लियर करवा देंगे। तो पहला सेट इसका और फिजिक्स लगभग दो वीडियो बनेगा और उसके बाद होगा और उसके बाद बायोलॉजी का दो वीडियो, छह वीडियो में पूरा साइंस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्पण में हमेशा, कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा, पूरा व्याख्यात्मक बताऊंगा, कौन सा दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अब आइए इसको थोड़ा चर्चा कर ले। अगर हम समतल दर्पण कहेंगे ना, तो समतल में हमेशा क्या बनेगा, बराबर बनता है। अगर हम बात करें अवतल में, तो उसमें तीनों बनता है, छोटा, बड़ा और बराबर, तीनों बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल में हमेशा जो है वह छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। तो छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। दूसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाती है? तो हवा से कांच में अगर प्रवेश करती है तो किधर मुड़ जाएगी? तो ये जो है, हवा से अगर कांच में प्रवेश करती है, मतलब अगर विरल से सघन में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए, आप ऐसे समझ सकते हो, आप देखते हैं ना कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जाते हो और जाने के बाद कहीं ऐसे जगह जहां सुनसान हो, डर लगता है, तो आप उस तरफ जाना चाहते हो, उस तरफ मुड़ना चाहते हो जिधर क्या हो, जिधर घना बस्ती हो। तो आप जब पूर्ण रूप से, जब खाली जगह था, तो उधर से आप जाना चाहते, जब सुनसान जगह था, आपको डर लग रहा था, तो किधर जाना पसंद करेंगे? तो आप जो है बस्ती की ओर मुड़ना पसंद करेंगे, माने घना जो जहां जगह होगा, माने घना जहां पे आबादी होगी, उधर मुड़ना पसंद करेंगे। मतलब आप याद कर लीजिए कि विरल से अगर सघन में, माने घन में अगर हम मुड़े, अगर हम प्रवेश करें या फिर जाएं, तो यह जो है, आप प्रवेश करने के समय रुझान आपका क्या होगा कि हम सघन में जाएं, मतलब जहां घना बस्ती हो वहां जाएं। मतलब आप याद कर सकते हो कि अगर विरल से सघन में जाएं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएं, अगर सघन से विरल में जाएं तो अभिलंब से दूर भागे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हवा माने क्या है, विरल, माने एकदम छेहर है, और उसके बाद सघन क्या है, कांच है। तो अगर विरल से सघन में आइएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अगर अगर आप विरल अगर आप सघन से विरल में आते, कांच से हवा में आते, तो अभिलंब से दूर भागता है, माने यह जो प्रकाश है वो अभिलंब से क्या भागता है, दूर। लेकिन यह प्रकाश जो है हवा से कांच में आ रहा है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम यदि आपको याद है तो रिवीजन हो रहा है, याद नहीं है तो आप याद करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो देखो, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की, लेंस तो दो ही है मुख्य रूप से, अवतल और उत्तल। तो अवतल की जब बात करेंगे, तो जब हम अवतल की बात करेंगे, तो अवतल की फोकस दूरी, जो अवतल है इसकी फोकस दूरी इस साइड होता है, तो इस साइड होगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। और लेकिन अगर हम बात करें उत्तल की, तो उत्तल का फोकस दूरी, फोकस इधर होता है, तो फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 50 है। ध्यान दीजिएगा, अगर वक्ता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी कहेगा, तो आधा कर दीजिएगा, 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है? तो फोटोग्राफिक कैमरा में, जान लीजिए, फोटोग्राफिक कैमरा में हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। कौन सा लेंस का, तो हमेशा उत्तल लेंस का यहाँ उपयोग होगा, फोटोग्राफी कैमरा का है या फिर कैमरा का है, तो कैमरा में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6 है। सवाल 6 क्या कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है, तो कौन सा दर्पण लगता है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। ऐसे तो हम आंसर बता देंगे कि अवतल लगता है, लेकिन अब जो है इसको समझ, आप अवतल है, उत्तल है, एक क्या होगा, तो पहले इस बात को हम पूरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लें कि क्यों उसका उपयोग होता है और इसका कारण क्या है।
तो गाड़ी के साइड मिरर में हमेशा जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, साइड मिरर में जो साइड में लगा होता है। लेकिन इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो उत्तल दर्पण होता है वह दूर की वस्तु को नजदीक बना देता है, यह जो है इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है, जिससे कि जो चालक है उसको पीछे की वस्तु को देखने में सुविधा होती है। यही कारण है ये जो दूर की वस्तु को नजदीक बनाता है, सीधा बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का। आंसर याद कर लीजिएगा, लेंस का नहीं, लेंस का तो बातें नहीं है, प्रिज्म लगेगा नहीं, या तो अवतल नहीं तो उत्तल, तो दिमाग पर रखिएगा उत्तल का उपयोग होगा। यहाँ साइड तीन अक्षर का है तो फिर आप यह लेंस दर्पण भी तीन अक्षर का लगा दीजिएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है, देखिए दर्पण द्वारा परावर्तन होता है, ठीक है, लेंस द्वारा अपवर्तन होता है, ये होगा नहीं। अब बात आ गया, इसका भी अपवर्तन हो जाएगा, अब सिर्फ एक प्रिज्म है जिसके द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है, वक्ता त्रिज्या आर है, तो कहां भटक रहे हो? सही आंसर आपका होगा एफ बराबर आर बाई टू, यह सूत्र है, चाहे वह अवतल दर्पण की बात करो या फिर उत्तल दर्पण की बात करो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से, नौ नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु की कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब का मतलब क्या है? बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, तो बराबर तब बनेगा, बराबर बनने का हमेशा हमेशा कहीं भी करे रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहीं भी रखिएगा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, किसमें? समतल दर्पण में, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, और यह सीधा बनता है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। तीनों गुण है इसमें, किसमें? समतल दर्पण में। सही आंसर इसका होगा समतल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता निकालना है तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 ऊपर हो जाएगा, 100 ऊपर लिख दीजिए और फिर ये 50 को नीचे लिख दीजिए, कितना रहा है 2। और चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी प्लस में होती है और क्षमता भी प्लस में, तो प्लस 2 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा? प्लस 2 डायोप्टर। नियम क्या है? तो 100 ऊपर, अगर सेंटीमीटर में है तो 100 ऊपर, फोकसांतर 50 है तो नीचे काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 डायोप्टर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग फिजिक्स को दो वीडियो में देख लेंगे और बढ़िया से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? तो देखो उत्तल लेंस इस प्रकार का है, देख रहे हो, ये जो किनारे है वह क्या है? पतला है, एकदम पतला दिखाई दे रहा है, लग रहा है मैंने एकदम ये बहुत ही पतला होता है। और इसके बीच का जो भाग है वह कैसा भाग होता है? मोटा भाग है। यह जो भाग देख रहे हैं कैसा भाग है? मोटा भाग है। तो क्या होगा? सभी जगह एक समान नहीं होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, तो उल्टा हो गया, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, सही आंसर यही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 12 देखते हैं। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो देखो सूक्ष्मदर्शी हुआ या फिर फोटोग्राफिक कैमरा हुआ, ये दोनों में जो है उत्तल लेंस का ही उपयोग होगा। क्या होगा? दर्पण नहीं, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या उत्तर होगा? उत्तल लेंस। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? अभी मैंने लिखवाया था कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर, तो वास्तविक का संभावना नहीं है, जब वास्तविक नहीं तो दोनों क्या, केवल क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चले नेक्स्ट, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है 2। कितने हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है?
तो जान लीजिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी फिर 10 आ गया तो उसकी वक्ता त्रिज्या, फोकस दूरी दिया हुआ है तो वक्ता त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगी। ठीक है, चलिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अभी हुआ था किसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल के द्वारा बनता है और दूसरा उत्तल के द्वारा बनता है। काल्पनिक दो ही में बन सकता है, या तो समतल और नहीं तो उत्तल। तो इसमें समतल है नहीं और उत्तल दिया है तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण में। इसमें क्या है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, उत्तल में सिर्फ काल्पनिक बनता है और समतल में भी सिर्फ काल्पनिक बनता है। दोनों उत्तर सही है, लेकिन इसमें अवतल दर्पण माने इसमें जो है समतल दिया नहीं है तो क्या बनाइएगा? तो इसमें सिर्फ उत्तल हो जाएगा। क्वेश्चन है लेंस की मुख फोकस की संख्या दूगो, कितना? दो होता है, एक एक प्राथमिक और एक द्वितीयक होगा, एक पहला मुख फोकस एक द्वितीय मुख फोकस। इस तरह से एक यहां होता है F2, यहां हो जाएगा F1। ठीक है, तो इसमें दो मुख फोकस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पृष्ठ है, देख रहे हैं इसमें दो पृष्ठ, दर्पण में एक पृष्ठ है, दर्पण में एक पृष्ठ होता है तो एक मुख फोकस होगा, और इसमें दो पृष्ठ होगा तो इसमें दो मुख फोकस होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि लेंस में दो मुख फोकस होते हैं। सर्च लाइट, ध्यान दीजिएगा, सर्च लाइट, हेडलाइट या डॉक्टरों द्वारा या फिर सोलर पैनल जो होता है, जो सौर भट्टी होता है उसमें बात करें या टॉर्च कहें, ये तीनों चारों में जो है वह उपयोग होगा किसका? अवतल का। अवतल कहाँ का उपयोग होगा? तो अवतल हजामती दर्पण में, सर्च लाइट में, टॉर्च का जो सर्च लाइट जिससे कि दूर तक दिखाई दे, गाड़ी के हेडलाइट में होगा, सौर भट्टी में होगा, डॉक्टरों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जो उसके माने जो गला के डॉक्टर हैं या फिर जो कान के डॉक्टर हैं वो इसी दर्पण का उपयोग करते हैं जिसमें लगा होता है कौन सा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अब जो है प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, प्रकाश की गमन कैसे, प्रकाश का गमन कैसा होता है? तो ऋजु रेखीय कहेगा या सीधी रेखा में या सरल रेखा में, तीनों बात सही है। चलिए तीनों एक ही बात है। प्रवर्तन के नियम, इसमें से क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रवर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर, तो प्रवर्तन के नियम में अपवर्तन क्या करेगा भाई? है हसुआ के ब्याह में तो खुरपी का गीत हो गया, ये नहीं होगा। अब देखिए आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है, आइए सवाल नंबर 23 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या कितनी होती है? आधी हो जाती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, क्या होता है? प्रति मीटर होता है, या फिर इसी को डायोप्टर कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी का नाम डायोप्टर है। आप लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? प्रति मीटर या फिर डायोप्टर हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के अगर हमेशा बराबर है तो हमेशा एक ही में होता है, कौन सा? समतल दर्पण में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 26 देखते हैं। दंत विशेषज्ञ जो है दांत के डॉक्टर द्वारा, अभी मैंने बताया था सर्च लाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, या फिर दांत के या फिर कान के या गला के डॉक्टरों द्वारा जो है वह उपयोग होता है अवतल दर्पण का, किसका? अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से जाती है, किस बिंदु से गुजरेगी? तो अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आवे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसमें, मैं इसको समझा देता हूं। यह अवतल दर्पण अगर है, अगर यह प्रधान अक्ष है तो इसके समानांतर अगर आए तो
तो मुख फोकस से गुजरती है। कहां से? मुख फोकस से। तो इसका सही आंसर तब होगा मुख फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? तो दाढ़ी बनाने के लिए अभी उपयोग हुआ था क्या? औतर। क्यों भाई? क्योंकि यह क्या करता है कि यह परा बनाता है। जब जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, अब परावक्ता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और इसमें क्या होता है कि चेहरा का प्रतिबिंब परा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, जिससे हमें दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। अगर उल्टा बन जाए, अगर दाढ़ी उल्टा अगर उल्टा इसका प्रतिबिंब बनने लगे तो क्या होगा? तो होगा कि दाढ़ी बनाना चाहिए, अगर उलट जाए तो क्या होगा? पपनीय छिला जाएगा चाहे भौंगे छिला जाएगा। इसीलिए इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है ताकि सीधा बने और बड़ा बने, दाढ़ी बनाने में मजा आ जाए, इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अपवर्तनांक साइन आई बटा साइन आर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, ये स्नेल का नियम भी कहा जाता है। साइन आई बटा साइन आर को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब एक ही है, सिर्फ एक है, अवतल। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? दो डायोप्टर है तो नियम क्या है? 100 ऊपर डायोप्टर नीचे, काट दीजिएगा तो कितना होगा? 50। सही आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहां 32 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए? क्वेश्चन है कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मालूम है, वास्तविक भी बनना चाहिए और बराबर बनना चाहिए, बराबर, तो हम कहां रखेंगे? उत्तल लेंस के सामने। एकदम आप कहां रखिएगा? 2F1 पर। अगर आप 2F1 पर रखिएगा, तो क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F2 पर, एकदम बराबर बनेगा 2F1 पर। 2F1 का मतलब फोकस दूरी के दुगने दूरी पर। कहा? फोकस दूरी के दुगने दूरी पर रखिएगा तो प्रतिबिंब बनेगा बराबर और वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए लेंस में अब बात करते हैं जल का, बात करते हैं कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। ये माटी उटी क्या करेगा जी उसमें, लेंस में? तो यह जो है नहीं होगा, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता, मैंने कहा था कि अगर यह सेंटीमीटर में होगा तो 100 ऊपर रखकर नीचे इसको रखकर काट देते निकल जाता, लेकिन जब ऊपर नहीं है तो 1/1, तो सिर्फ एक डायोप्टर ही होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर। एक नियम है 1/f, अगर p का मान निकालना है तो 1/f हो जाएगा, f का मान 1 मीटर दिया है तो 1/1 क्या हो जाएगा? एक डायोप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 35। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा समझना होगा, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो यहां निर्गत किरण का मतलब क्या है? जैसे कोई लेंस है, परावर्तन में क्या होता है कि दर्पण रखे हैं आप, टकराकर वापस गया, तो परावर्तित किरण रहे, अभिलंब रहे, परावर्तन कोण रहेगा। अगर अपवर्तित किरण, अगर आपतित किरण रहे और अभिलंब रहे तो आपतन कोण हो जाएगा। अपवर्तित किरण और अभिलंब रहे तो अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो निर्गत किरण और अभिलंब रहे तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गत कोण हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्गत कोण। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम है? दो नियम है। उसके बाद है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्ता त्रिज्या की अभी मिला था कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। कितना गुना होता है? 2 गुना होता है, या f बराबर r/2 या r/2f। ठीक है, मतलब इसमें इसको अगर हम देखें, इस क्वेश्चन परिपक्ष में देखें
कि गोलीय दर्पण का फोक्सांतर वक्ता त्रिज्या की आधी हो जाएगी। इसमें आप ऐसे कर दीजिए एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर आर बाई टू, ये सही उत्तर होगा। कह रहे कि फोक्सांतर बराबर क्या होगा, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। देखो जैसे एफ बराबर आर बाई टू होता है तो प्रश्न कैसे भी पूछे या फिर आर बराबर क्या हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा, टू एफ हो जाएगा। क्वेश्चन है कि फोक्सांतर वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, एफ बराबर आर बाई टू भी सही है और इसमें आर बराबर टू एफ भी सही है, दोनों बात तो एक ही, कोई इसमें अंतर नहीं है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही है, यह बात गलत है। एफ बराबर आर बाई टू कहे चाहे आर बराबर टू एफ कहे, इसमें चूंकि दोनों आपका उत्तर सही है, मैंने समझाने के लिए दोनों ऑप्शन लिया है, तो आर बराबर ए आर बराबर टू एफ भी सही है या एफ बराबर आर बाई टू, क्योंकि दोनों तो एक ही बात हो जाएगा। और पूछेगा, अगर पूछता है कि भाई फोक्सांतर वक्ता त्रिज्या की कितनी गुणी है, तो फोक्सांतर वक्ता त्रिज्या की गुणी नहीं होती है, आधी होती है, माने एक बटा दो माने आधी होती है। फोक्सांतर माने एफ बराबर जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा, तो लेंस रहे वी बटा यू, क्या रहेगा वी बटा यू, दर्पण रहे तो माइनस वी बाई यू, और अगर लेंस है तो ये वी बटा यू हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा पन्ना प्रतिबिंब आभासी आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है, आभासी बने बड़ा बने और बड़ा बने आभासी बने और सीधा बने, ये तब होता है जब आप अवतल दर्पण के मुख फोकस और आप ध्रुव के बीच रखते हैं, ध्रुव और मुख फोकस के बीच में, ध्रुव और मुख फोकस, हाँ ध्रुव और मुख फोकस के बीच में, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है, चलिए अब जो है सवाल नंबर 39 हो गया, तो इधर कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस है, अपसारी लेंस कौन है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, अवतल लेंस को अपसारी कहेंगे और उत्तल लेंस को अभिसारी कहेंगे। क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की, पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन है यहां पे कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण की किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगात्मक मापने की जरूरत होती है, किसको मापिएगा। तो कह रहे हैं कि अगर आपको दर्पण फोकस दूरी को निर्धारित करना है तो दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को ज्ञात कर लीजिए, तो फोकस का मान ज्ञात हो जाएगा। माने आपको प्रतिबिंब मालूम है तो 1/v बराबर होता है ना 1/u + 1/v, तो अगर आपको प्रतिबिंब मालूम है इसको ज्ञात करना है तो क्या मालूम होना चाहिए, तो यह मालूम होना चाहिए बीम की दूरी, माने बीम की दूरी मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, शब्दकोश को पढ़ने के लिए किसका उपयोग होगा, तो शब्दकोश को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर का आप उपयोग कीजिए उत्तल लेंस का, किसका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, भीवीआई क्वेश्चन है, भीवीआई क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा को के व्यास को क्या कहते हैं, मतलब इसके व्यास को क्या कहते हैं, इसी का नाम है, देखो मुख फोकस होगा नहीं, प्रधान अक्ष नहीं होगा, वक्ता त्रिज्या नहीं होगा, फिर क्या होगा द्वारक, सही आंसर क्या होगा द्वारक। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन उत्तल दर्पण जिसकी वक्ता त्रिज्या 32 है, तो वक्ता त्रिज्या 32 है तो क्या पूछ रहे हैं, फोकस दूरी, तो त्रिज्या का आधा ना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, मतलब ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बतलाता है, यह बतलाता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को, किसको, वास्तविक और उल्टा, ऋणात्मक बताता है आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो बतलाता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब को, धनात्मक है तो बताएगा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब को। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण और
विचलन कोण क्रम से इतना है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। तो यह क्वेश्चन है, अगर समबाहु त्रिभुज है, प्रिज्म है, यहाँ पे प्रिज्म है और विचलन कोण मालूम है, निर्गत कोण मालूम है, टोटल कैलकुलेट कर दीजिए, 40 + 3 कितना हो जाएगा, 60 तो 70 हो जाएगा, ये बिना बनाए भी बन जाएगा। अगर निर्गत कोण मालूम है, विचलन कोण मालूम है तो यह हो जाएगा 70 डिग्री टोटल कोण आपतन कोण का वैल्यू। ठीक है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो फोकस दूरी मैंने बताया था 100, एफ बराबर 100 बटा p बराबर, अगर एफ निकालना है तो 100 बटा p हो जाएगा, कब, जब सेंटीमीटर में उत्तर देना होगा तब, तो 100 बटा 1 ये कितना हो गया 100 डायोप्टर, लेकिन उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, तो प्लस 100 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किस रंग से माने प्रकाश किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, ध्यान दीजिएगा, किस रंग के लिए प्रिज्म का माने किस रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा, तो ये बैंगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान अधिक होगा, जिसका तरंगदैर्ध्य का मान कम होगा उसका अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। क्वेश्चन है,